बच्चों, मैं आप लोग को आज क्लास 12 में जो प्रिज्म का डिवर्शन है उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, मिनिमम डिवर्शन टू डिटरमाइन एंगल ऑफ द मिनिमम डिवर्शन ऑफ द गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डिवर्शन। तो इसमें मटेरियल आपको जो लगेगा वो है प्रिज्म, ग्राफ, पेंसिल, स्केल, इरेजर, वाह, बोर्ड पेन, बोर्ड हो गया, बोर्ड पेन, वाइट शीट एंड पेपर पेन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको, तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रिज्म का बाउंड्री हिंज लेनी है। प्रिज्म को ऐसे रखना है, ठीक है, और प्रिज्म की जो बाउंड्री है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ऐसे खींच लेंगे, ये और ये। ठीक है, क्या बनाएंगे सबसे पहले, प्रिज्म को रखकर उसकी बाउंड्री को। ठीक है, ये बन गया और ये। ठीक है, बाउंड्री बनाने के बाद आपको प्रिज्म यहाँ पे रखना है उस बाउंड्री पे। आपको मान लीजिए हमने जो लिया वो ए बी और सी है। मान लीजिए हमने क्या किया, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाने के बाद इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, ए बी एंड सी ऐसे बना दिया आपने। ये बनाने के बाद आपको ए बी पर, ए बी के बीच में कोई लाइन खींच देना, ये मिडिल में ऐसे। ठीक है, मिडिल आपने खींच दिया। मिडिल में खींचने के बाद अब आपको यहाँ से कोई एक एंगल मेजर करना है। आपने मान ली 30 का ले लिया, 40, 45। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक यहाँ से ये है इस एंगल में के या इसके बीच हमने 30 डिग्री का एंगल मेजर कर लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पिन लगानी है और इस साइड से देखना है। ठीक है, आइए हम आपको करते हैं, दिखाते हैं। प्रिज्म को रखा आपने, ठीक, अब आपको पेपर पिन चाहिए। पेपर पिन आपको यहाँ और यहाँ लगाएंगे। बच्चों, आपको पेपर पिन लेना है। इस पेपर पिन को जहाँ पे आपने एंगल लिया है उस एंगल पे, इंसिडेंट रे पे आपको ये पिन लगा देनी है। ठीक है, देखिए ऐसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको सीखिए। ठीक है, ये और फिर ये इसको थंब से प्रेस करना है। ठीक है, थंब से प्रेस करेंगे। ठीक है, ये सॉफ्ट आपका बोर्ड है। ठीक, ऐसे लगाने के बाद ये इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे पिन आपने लगाया तो प्रिज्म को ऐसे रखेंगे। इस साइड से आपको देखना है, जहाँ दो पिन स्ट्रेट दिखे वहीं पे आपको थर्ड पिन लगानी है। देखिए ये इस साइड से देखनी है, जहाँ पिन आपको एक सीध में दिखे उसी जगह आपको थर्ड पिन लगानी है। और पिन ऐसे लगाइए कि बाकी जो पिन दो आप लगाए हैं वो एक सीध में हो जाए, छिप जाए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, पेन लगाते समय थोड़ा ध्यान देना है आपको, पिन अलग ना दिखे। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसको बाद एक पिन और आपको लगानी है, फोर्थ पिन लास्ट। तो ये स्टेट जहाँ दिखेगा उसको वहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, स्टेट में है ये। अब आपको ये पिन लगाने के बाद जस्ट आपको इस पिन को यहाँ से हटा देना है, ये जो ये है और ये है, इसको स्ट्रेट लाइन बढ़ा देना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बढ़ा देना है, इसको इमरजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, ये बढ़ाया, यहाँ पे एक ही नॉर्मल ड्रा आपको करना है।
और इस लाइन को ध्यान दें, जैसे ये है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है ये, ठीक, और इस लाइन को भी आगे बढ़ाना है जहाँ आपने एंगल रखा है, ठीक है, इस नॉर्मल को भी। तो आप ये, तो आपको इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है, ये तो जस्ट आपको ये ऐसा दिखेगा। तो आपने ये पिन लिया था, हाँ, इमरजेंट रे, इसको इंसिडेंट रे, इस रो को आगे बढ़ा देना है इसको, और जो आपने नॉर्मल ड्रा किया था उसको भी आगे बढ़ा देना है। तो इसके बीच का डिवर्सन निकालना है ये और इसके, ठीक है। तो ऐसे स्टेप आपको एक वन मैंने बनाया, वैसे आपको फोर एंड फाइव बनाना है और उस पर आपको ग्राफ प्लाट करना है, ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसा बनेगा। देखिए, आपको ये जो दिखेगा ऐसे बनाना है चार, ये आपको रीडिंग ऐसे लेनी है, ऐसे 30, 35, 40, 45, 60 के बीच में लेनी है, ठीक है। अब आपको ये करने के बाद आपको ग्राफ प्लाट करना है, ठीक है, क्या प्लाट करना है, ग्राफ, ऐसा ग्राफ आपके जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका है, ठीक है, ठीक है सर, आपको पता लगा कैसे प्रिज्म बनाना है, ओके।